हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं मिशन बुनियाद कहानियों में आपके लिए कहानी दो, कहानी नंबर टू। जिस पहली हमने कहानी नीली नीली नीलू आपको कंप्लीट करवाई है, आप देख सकते हैं और आपको मिल जाएगी, चैनल पे अपलोड कर दी है। नेक्स्ट हमारी जो कहानी है वो है अली, ठीक है। तो अली देखते हैं कि कहानी में क्या है। कहानी बहुत ही अच्छी है और एक छोटे से लड़के की कहानी है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि देखिए इसका कहानी का जो टाइटल है वो क्या है, अली, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि कहानी का टाइटल जो है वो है अली। अली घर में पढ़ाई कर रहा था। अली घर में क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर नल पर पड़ी। नल से पानी ज़मीन पर टपक रहा था। आसपास का फर्श गीला हो गया था। अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया। पानी अब लोटे में गिरने लगा। थोड़ी देर में लोटा पानी से भर गया। अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया, ठीक है। तो ये कहानी है, क्या है, एक अली लड़का है और वो पढ़ाई कर रहा था। देखिए ये अली हैं, ठीक है, अली जो है ये हैं। तो ये क्या पढ़ाई कर रहे थे, तो देखा उन्होंने कि नल से पानी टपक रहा है और क्या किया, एक नल के नीचे एक लोटा रख दिया, ठीक है। और जब लोटा रख दिया तो जो पानी जो टपक रहा था वो लोटे में भर गया। फिर उसने वो पानी पेड़ में डाल दिया। अब देखते हैं कि अली की जो एक्सरसाइज है वो क्या कहती है। सबसे पहले है नीचे दिए गए शब्दों की अलग अलग आवाज़ें लिखें, जैसे पढ़ाई है ना। तो इसमें जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया, पढ़ाई में सारे शब्द अलग अलग लिखे, वैसे ही आपको ये सारे शब्द जैसे ज़मीन है, पौधे हैं, लोटा है, आसपास, तो आप देख भी रहे होंगे, ये आप स्टूडेंट्स ने फिल भी किया है, आप ये चीज़ देख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि सही आवाज़ को चुनकर खाली स्थान भरिए। सही आवाज़ को चुने, जैसे आ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब इसमें ली भरेंगे या ली भरेंगे, अली, अली नाम है ना इसमें। फिर गीला, ठीक है, पौधों, यहाँ पे पोपो लिखा है तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, पौ या पौ, तो पौ है ना, ये फिल करेंगे थोड़ी। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अगला क्या है यहाँ पर, देखिए प्रश्न तीन में बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र में पौधों के भाग के नाम लिखिए। यहाँ पर एक पौधा दिया गया है, उसके पार्ट्स के आपको नाम लिखना है, जैसे कि फ्लावर, यहाँ पे फूल लिखना है, यहाँ पे टहनी है ना, ये जो एरो है ना, एरो का साइन, ये जिधर भी जा रहा है वो आपको वही लिखना है। फिर यहाँ पर पत्तियाँ, तना और जड़, ये लिखना है। फिर आपको क्या करना है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है, जैसे दिन का रात होगा, थोड़ा का ज़्यादा होगा, दूर नहीं ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा का ज़्यादा, ठीक है। आगे क्या है, बाहर का अंदर, गिरना का उठना, ऊपर का नीचे, गीला का सूखा, ठीक है। अब क्या है, अली ने लोटे के पानी का क्या किया, तो आपको क्या लिखना है, अली ने लोटे के पानी को पौधों में डाल दिया है ना। अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया है ना, में डाल दिया, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। तो अगला जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर देखिए ये एक्सरसाइज थी, ये क्वेश्चन था, ये आपने, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो ये इसका आंसर लिख लेना आप लोग, हमने आपको बता दिया कि अली ने लोटे के पानी को पौधे में डाल दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी नंबर टू। इसके बाद हम लेकर के आएंगे अगली कहानी जिसका टाइटल है पतंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, थैंक यू।